मंडी क्षेत्रीय अस्पताल में 108 एम्बुलेंस BLS कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला शिविर का आयोजन 2 दिन के लिए करवाया जा रहा है। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय अस्पतालों की नर्सों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 7 अगस्त को कार्यशाला के दौरान नर्सों को हृदय और सांस संबंधी परेशानियों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला के बारे में हैदराबाद से आए हुए डॉक्टर रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला के बारे में अस्पताल की 30 नर्सों ने भाग लिया, जिसके चलते कार्यशाला में बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स के साथ सांस संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जाएगा। जो RH मंडी में अभी नर्सेस को हम BLS ट्रेनिंग दे रहे हैं। BLS का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो ये बेसिक रिवाइवल, मतलब कौन सा भी बेसिक मनुष्य को अगर कोई बेहोश हो गया, अरेस्ट में गया, तो वो वापस लेके आने के लिए इम्पोर्टेंट है, स्किल है। वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का प्रोग्राम है, ये 1 दिन का प्रोग्राम है। और सर्टिफिकेशन भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मिलेगा सब लोगों का। 1 डे प्रोग्राम इन दैट, इसमें सब कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, बेसिक एयरवे मैनेजमेंट, और तीसरा है कि चोकिंग माने कौन सा भी गले में हटक गया, कौन सा भी फॉरेन बॉडी, कौन सा भी चीज़ें, तो कैसे निकालें, ये सब बेसिक लाइफ सपोर्ट में आएगा। और कल हम लोग BLSO बेसिक लाइफ सपोर्ट इन ऑब्स्टेट्रिक्स, उसका मतलब है वो लेबर डिलीवरी कैसे करना है, कॉम्प्लिकेशंस कैसा है, और काली सब निकालने के लिए कैसे करना है, और सपोर्ट कैसे करना है, अगर डॉक्टर थोड़ा लेट हो गया तो भी सब नर्सेस कैसे रिवाइव करने के लिए, सब चीज़ें कल भी हो जाएगा। 2 दिन का कोर्स है, वो भी 1 दिन, वो भी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियंस, वो भी अमेरिका से सर्टिफिकेशन है, वो दोनों सर्टिफिकेट कल शाम को हम सब सर्टिफिकेशन देगा। ये महीने पूरा हमारा प्रोग्राम है। पहले हम लोग कुल्लू में दिया है, RH कुल्लू में, और आज और कल मंडी में दे रहे हैं, और बाद में हमीरपुर है, बाद में धर्मशाला में है, और बाद में सोनल हमारा हेड ऑफिस में है, उधर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 5 लोकेशन पे ये सब ये महीने 20 तारीख तक चलेगा।